साथ साथ कल हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों की भी हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है और हम लोग हर स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे। हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं। जो लोग जीत से आह्लादित हैं वो आह्लादित रहें। हम इस जीत को षड्यंत्रकारी जीत मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कोई तकनीकी पहलवान मजबूत पहलवान को पटक दे, इसका मतलब नहीं कि उसका वजूद खत्म हो गया। आज भी इस राज्य के अंदर, देश के अंदर में सारे बहुसंख्यक वर्ग के लोग, निचले तबके के लोग जो कहीं ना कहीं आहत थे, इस बात पर जरूर जोर दे रहे हैं कि मुद्दे आज देश में हारे हैं और कहीं ना कहीं जो जीत हुई है उसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। देखिए, बात हो रही है सब लोगों से बातें हो रही है और इसको आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और हमारे बड़े नेताओं के बीच में हर तरह की बात हो रही है। हर लोग कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं व्यस्त भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कसा है। महागठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद होकर करके हम जनता के बीच में जाएंगे। उन सारी कमियों को, कहाँ चूक हुई, कहाँ पर लोगों ने हमें चीट किया, सत्ताधारी दल के लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल किया, हमारे वोटों को किस तरह से ट्रांसफ़र किया, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उस पर आगे बढ़कर के मुस्तैदी से फिर हम। कांग्रेस ने आपके पहलवान को निकम्मा पहलवान बना दिया है। कांग्रेस यादव को बोला उससे काम नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है। बयान कई तरह के, वैसे लोग बयान देते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रकटीकरण होता है। जब चुनाव हारता है तो कई तरह के बयान और बयानात आते रहते हैं। हम उन बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हम इन बयानों को गंभीरता से लेते जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिनके साथ बैठ कर करके हमारा अलायंस हुआ है, जिनसे हमारी गठबंधन, जिनसे हमारी बात हुई है। कुछ दुखी आत्मा इस तरह के वक्तव्य देते हैं, उनके वक्तव्यों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हर कड़वे प्रश्न का हम लोग उत्तर भी देने के लिए तैयार हैं और उसको हम लोग हर तरह से हम पड़तालना भी करेंगे, पड़ताल करेंगे कि कहां से ये चूक हुई है और ये चूक को बिहार के आम मानव, आम लोगों में जो संशय है, जिस संशय को निर्मूल किए बगैर चुनाव आयोग भविष्य में कभी चुनाव अगर कराती है तो इस संशय को निर्मूल करना पड़ेगा कि ये जो संशय हर घर में, हर टोलों में, हर मोहल्लों में ये बात है कि हमने जो वोट दिया वोट गया कहाँ। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जीत षड्यंत्रकारी जनादेश है। अब जनादेश है, जो लोग जीते हैं उनको अपना अपना जीत के जश्न में डूबे, उनके जीत के जश्न में हम कोई खलल नहीं डालेंगे, लेकिन हम आत्मचिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे और कहीं कमियां हैं उसको भी खंगालेंगे, उसको भी देखेंगे और मुस्तैदी के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। शून्य से शिखर तक जाने की क्षमता राष्ट्रीय जनता दल में है और हमने कई उतार और चढ़ाव देखा है, कई तरह के झंझावात देखा है, कई तरह की पड़ताड़ना भी झेला है। हम विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो उनको भी जो चाहिए, जो महरूम है विकास से, रोजगार से, इन सवालों को हम उठाते रहेंगे। आपके जाने साथ ही कांग्रेस अपनी राह जुदा करने जा रही है, महागठबंधन कैसे मनाएंगे अगर नहीं माने तो? क्या अभी कोई आधिकारिक बयान मैं नहीं मानता, जब तक पार्टी के प्रेसिडेंट का कोई बयान नहीं आता मैं किसी बयान को आधिकारिक बयान नहीं मानता। यह व्यक्तिगत प्रकटीकरण है, इसको मैं आधिकारिक नहीं मानता।